हाय गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी ब्लॉग्स। तो गाइज़, आज बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज है 9 अप्रैल और फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का सभी का एग्ज़ाम भी होगा। तो सबसे पहले तो सभी को ऑल द बेस्ट। तो अभी मैं भी घर से बस निकल ही रही हूँ, मैंने बैग पैक कर लिया है और आज मैंने अपर भी डाला है क्योंकि मेरी कल से कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे फीवर आ गया था अचानक से, तो कल तो मेरा ऑलमोस्ट एग्ज़ाम देना बिल्कुल कैंसिल ही हो गया था। फिर उसके बाद जब मैंने दवाई ववाई खाई तो फिर एक डोज के बाद ही थोड़ा सा सुधार आने लग गया था। तो अभी गले में भी दर्द है, जुकाम भी हो रहा है और हल्का हल्का सा फीवर भी है। तो बाकी देख लेते हैं, इतना तो मैनेज हो ही जाता है। तो अभी घर से निकलती हूँ। अभी मैं जाऊँगी पहले रामनगर मार्केट, क्योंकि रामनगर मेन मार्केट में हमारा घर नहीं है तो अंदर अंदर को है। पहले हमें रामनगर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से रोडवेज या फिर लोकल बस जो भी मिलती है पहले तो उसको लेकर हल्द्वानी, और हल्द्वानी से वहाँ पे ऑटो से काठगोदाम, क्योंकि मेरा पिछली बार भी कनिष्ठ सहायक में भी काठगोदाम ही आया था और इस बार भी काठगोदाम ही आ रखा है। बस हमारे स्कूल जो है चेंज हो गए हैं। 7 बज रहे हैं करेक्ट और अभी मैं घर से निकलती हूँ, क्योंकि पिछली बार मैं बहुत जल्दी निकल गई थी घर से और वहाँ बहुत ज़्यादा मुझे वेट करना पड़ गया था, इसलिए आज मैं थोड़ा लेट ही निकल रही हूँ। एक बार फिर से मेरी तरफ से ढेरों 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 शुभकामनाएं अपने एग्जाम के लिए। वैसे तो आप ये ब्लॉग जो है परीक्षा के बाद ही देखोगे, तो आपको रिजल्ट के लिए पहले से ही ऑल द बेस्ट कि इस बार आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा अगर आपने मेहनत की होगी। तो अभी निकलती हूँ वरना लेट हो जाएगा। तो अभी पापा मुझे रामनगर तक छोड़ने आ रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ से हल्द्वानी बस से ही जाना होगा। तो पापा तैयार हैं निकलने के लिए और मम्मी भी खड़ी है हमको देखने के लिए ही जा रहे हैं करके। तो अभी तो धूप भी निकल चुकी है, सब लोग मुझे स्वेटर में देखेंगे तो बोलेंगे इजी हो रही है। तो सुबह सुबह के टाइम तो ठंडी लगती है बस में भी, तो बैग तो ले ही जा रही हूँ। बाय मम्मी। ओके, तो अभी हम आ गए हैं अपने रामनगर वाले नेशनल हाईवे पर। तो अभी सुबह सुबह के टाइम पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं हो रही है, इसलिए हम जल्दी से पहुंच गए हैं मेन मार्केट में और यहाँ पर से हम जाएंगे रामनगर रोडवेज और वहाँ पर देखेंगे कि बस लगी है या नहीं लगी, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कनिष्ठ सहायक वाले में तो रोडवेज तो आई नहीं थी, इसलिए मुझे लोकल बस में ही जाना पड़ा, तो खड़े खड़े जाना पड़ा था पूरे रास्ते पर। तो देखते हैं इस बार क्या होता है, सीट मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि मोस्टली मैं जितने भी एग्ज़ाम देने जाती हूँ हल्द्वानी तो मुझे कभी सीट मिलती नहीं है। तो देखते हैं आज मेरा रिकॉर्ड टूटता है या नहीं टूटता। तो अभी मुझे रोडवेज बस मिल गई है लेकिन उसमें सीट नहीं मिली है हमेशा की तरह और मेरा रिकॉर्ड नहीं टूटा है। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ते हुए बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा डर लगता है यार। तो वही 9 बज रहे हैं और मैं हल्द्वानी पहुंच गई हूँ। अभी मैं जस्ट यहाँ पर से एडमिट कार्ड निकालूंगी, पर अभी यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ लगी तो शायद भी लेट हो सकता है। और अभी एडमिट कार्ड निकलवा लिया है तो अब काठगोदाम के लिए सीधे मैं जाती हूँ नैनी वैली पब्लिक स्कूल में, जहाँ की मेरा एग्ज़ाम सेंटर आया है। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब और ऊपर से रोडवेज में मुझे सीट नहीं मिली तो इस वजह से मेरा यहाँ पर होलिया हो गया है बिल्कुल ख़राब, और इसको मैं सही करना चाह रही हूँ बट हो नहीं रहा। तो बस यहाँ से थोड़ा सा 5 मिनट का रास्ता है मेरे एग्ज़ाम सेंटर के लिए, और इसी लाइन पे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं जिसमें ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। और तो आजकल यहाँ पर भी रामनगर की तरह हल्द्वानी में भी G20 की वजह से साफ सफाई थोड़ी हो रखी है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं यहाँ पर डिवाइडर पर। तो अभी तो 9:30 होने वाला है और मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच गई हूँ। कुछ लोग यहाँ पर रोल नंबर चेक भी कर रहे हैं, तो अभी मैं आपसे मिलूँगी जस्ट एग्ज़ाम के बाद। तो अभी जस्ट मैं अपने एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकली हूँ, ऑटो में बैठी हूँ और हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चों की। तो इसी ऑटो में मुझे अपनी एक वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है जिसमें मुझे दिखाना है कि आज का एग्ज़ाम पेपर कैसा रहा था, फिर उसको अपने स्टडी वाले चैनल पर अपलोड करना है। देखिए अभी साउंड प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा होगा क्योंकि अभी जस्ट पेपर छूटा ही है, तो संविधान से काफ़ी क्वेश्चन आ रखे थे और साथ ही हमारी करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ रखे थे। तो अभी मैं निकल रही हूँ हल्द्वानी रोडवेज से रामनगर के लिए। तो जैसे ही रोडवेज पे आई हूँ वैसे ही बस मिल गई है
और अभी बस में भी कोई नहीं है तो सारी ही सीटें खाली है, लेकिन जो तबीयत है वो और ज़्यादा डाउन हो गई है। तो अभी बस में सीट तो मिल ही गई है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा अपने कुछ क्वेश्चन देख लूँगी जिस पे मुझे डाउट हो रहा है कि वो सही है या नहीं है। बाकी जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो घर जाके ही सॉल्व होंगे। फिर कभी पेंसिल मैंने निकाल ली है और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन की नहीं है, हमारी जो है डूब चुकी है। तो गाइस अभी 4 बज रहे हैं और मैं घर पहुँचने वाली हूँ, बस अपने गाँव वाली रोड में आ गई हूँ और घर पहुँच के देखती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है नहीं आ रहे थे उनका आंसर क्या है, और बाकी पूरी आंसर की तैयार करनी है पूरे एग्ज़ाम पेपर की। और अभी 5 बज जाएंगे, फिर घर जाते जाते खाना वाना खा के कैसा कैसा टफ रहा कैसा इजी रहा वो सारी बातें अब घर जाके करेंगे। पहले खाना वाना खा लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ। ओ बाबरे, क्या हाल हो गया मेरे बालों का और मेरी थोपड़े का क्या हाल हो चुका है घर आके पता चल रहा है। आवाज़ भी पूरी बैठ चुकी है, ठंडा लग रहा है, जुकाम बहुत हो रहा है, तो भी पहले मुझे दवाई खानी है खाना खाने के बाद। अभी मैंने चेंज वेंज कर लिया है और अब मैं खाना खा रही हूँ। तो लौकी चना के साथ मैं रायता भी खाने वाली हूँ, जबकि मुझे इतनी तबीयत ख़राब में रायता नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसको देख के मुँह में पानी आ रहा है इसलिए मैं ही खा रही हूँ। और फिर इसके बाद ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे भी आने वाले हैं, तो मैं जितने भी आंसर किए तो उनके आने के बाद उनको पढ़ाने के बाद जब वो 6:30 बजे छूटते तब उसके बाद ही तैयार कर पाऊंगी। और बाकी आप लोगों ने भी अगर फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको एग्ज़ाम पेपर कैसा लगा और कौन सा पोर्शन आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा। वैसे तो हिंदी लगा होगा, बाकी फिर भी आप अपने हिसाब से बताना, और आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं इस एग्ज़ाम में वो मुझे कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।